हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज ब्लॉग में क्या होने वाला है। यस, तो आज है रक्षाबंधन और हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आज रक्षाबंधन। तो अभी देखो, हम लोगों ने मेहंदी लगवाई थी, मैंने और मेरी बहन ने, तो मेरे को तो इतनी डार्क नहीं रची, ऐसी रची नॉर्मल सी, उसको भी सेम रची, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो गाइज, इसने एक हाथ पे खुद से लगा ली थी ये वाली, और ये एक डार्क रची है, डार्क नहीं है, लाइट ही है मेरी। ले मिला, इधर से मिला, मेरी डार्क है, मेरी डार्क है, चल दफा हो जा। सो गाइज, अब हम रेडी होने वाले हैं, मतलब पहले तो थोड़ा सफाई करेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएंगे और फिर हम जाएंगे भैया औरों के पास। तो मेरे तीन भैया हैं, तो तीनों के पास हम जाएंगे, तीन ही है ना। सो गाइज, आज मेरा भाई मुझे कुछ देने वाला है। इसने मुझे कुछ बोला था कि मैं आपके लिए सरप्राइज कुछ लेकर आने वाला हूँ, और मुझे नहीं पता क्या सरप्राइज है। तो आई एम 10 रुपए। सो गाइज, रक्षाबंधन है, आप लोगों को पता है। तो मेरी बड़ी बुआ जी आ चुकी हैं। हाय बोलो बुआ जी। हाय। और ये मेरे भाई को राखी बांध रही है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत थोड़ी एक्टिंग कर दो, ठीक है, राखी बांध रही। सो गाइज, हम हो चुके हैं रेडी और मुझे आज मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सो गाइज, ऑल सेट, हम रेडी हैं और मम्मी भी रेडी हैं, और मम्मी ठाकुर जी को राखी बांध रही है। ये रहे ठाकुर जी, ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये रही ठाकुर जी की राखी और मिठाई, और ये है मम्मी। बोल दो अब कुछ। ये मेरे भाई हैं। गाइज, ये देखो बुआ जी बांध रही है पापा को राखी। पापा पैसे तो दे दो। दे दी, दे दी, लव वही दोबारा दे दो भाई। ग्राम क्या क्या बोल रहे हो पापा? हमारी बुआ जी जो आई है मंसूरपुर के पास, इनका लछेड़ा गांव पड़ता है। अच्छा। और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ में वहाँ। ओके, ठीक है। तो हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पे हर साल राखी बांधने आती है हमारी बुआ। ओके, ये लीजिए बुआ जी, अब आप तिलक कीजिए। देखो तिलक हो रहा है। हो गया क्या? हाँ जी, बताओ बुआ जी। मैं कुछ देखो बुआ जी कितना अच्छा कलाकंद लेके आई मेरे लिए, और मैं कलाकंद खा रहा हूँ। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने ताऊ जी के यहाँ पर, और ये है मेरे भैया। हेलो गाइस। यो यो। और ये है मेरी भैया की बेटी, यानी मेरी भतीजी दोनों। ये है राधी और ये है फुग्गा। सामने बैठी है मेरी भाभी, हेलो बोल दो। और ये है इंस्पेक्टर साहब मिस्टर रोहित कुमार। अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरे ताऊ जी। ओ गाइस, ये रही मेरी ताई जी, बहुत क्यूट क्यूट ताई जी। हेलो बोल दो सबको जल्दी। हाय। मेरे भाई की लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, और ऐसे ही मुझे पैसे बांटते रहे। बुआ जी ने बोला था कि इस वाली राखी मुझे 2100 रुपए चाहिए। पता होना चाहिए ना मेरा भाई कितना अमीर है। पापा के नाम पहले की नहीं सो ले लेगी तू, 200 भी नहीं, 10 रुपए ले। हाँ ठीक है, मैं बिना लिए भी खुश। अरे ये तो टेप लगा। तो गाइस, ये मेरी भाभी, छोटे वाली भाभी, एक भाभी और है, उनसे भी मिलवाऊंगी। क्या मिले, क्या मिले? 200 रुपए। 200 मेरे गाइस, थोड़े मुझे मिली है, और ये मेरे चाचू खा गए। बहुत झूठी है, एक में हमारे चाचू खा गए। चाचू ने खाए। ओके, thank you.
सो गाइज मैं आ चुकी हूँ एक अपने भाई के पास जो रहता है IIT में रुड़की, तो आप लोगों को मिलवा देती हूँ, चलो चलते हैं। इसका कुत्ता मर गया, जिंदा है। ऐसे चल लगता है, मैंने आपको बोला था ना सो रहा होगा, ये सो ही रहा है, शक्ल भी दिख रही तेरी। मैं सच में सो रहा था, मुझे लगा ये आएगी वीडियो, मस्त बनाती वीडियो, उठाएगी। नहीं सच में मैं तो बना ही रही हूँ। तेरे चार तो फोन आ गए पहले मेरे पास, तो मस्त उठता मैं एकदम चश्मा लगा के। गाइज हम ना कुछ अलग प्लान करने वाले थे कि मैं आऊँ और विशाल की कुछ अच्छी सी एंट्री हो, तो अभी विशाल दोबारा अपनी एंट्री करने वाला है, तो ये स्क्रिप्टेड है तो हमें जज मत करना। चलो सो गाइज अभी तक वो सो रहा है जैसे कि आपको मैंने भी बताया, और मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये देखो ये सो रहा है, उठ जा उठ जा। हाय गाइस, ये चश्मा लगा के सोता है, देखो वो भी सनग्लासेस। ओ वाओ। रिश्ता कब से है आप बताएंगे? इट्स आई थिंक म्यूजिकल था वैसे तो। हां म्यूजिकल रिश्ता, एक्चुअली एक इवेंट था, ये शायद 2017 रहा होगा, 16 की बात है, 16 था। तो शिवा उस इवेंट में परफॉर्म करने गई थी, और मैं वहां बदकिस्मती से जज होकर बैठा हुआ था। उस इवेंट के दौरान मेरी शिवा से बात हुई थी, उसके बाद तो उससे स्पेशल से नहीं चलता है। 17 के बाद 18 19 20 तो 5 साल हो गए आज, एंड वी आर हियर। तो गाइस अब हम आए हैं बर्गर कंपनी रुड़की में, ये बहुत प्यारी सी जगह है जहाँ पे मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस हम आए हैं यहाँ पे तीनों भाई पार्टी करने, और आज की पार्टी सोनल की तरफ से। तो दुल्हन बने क्यों घूम रही है? तो आज की पार्टी मेरी बहन की साइड से, चलो बैठो अंदर कम। एंड माई ब्रदर साथ में आए हैं, और हम बहुत एंजॉय करते हैं अपनी कंपनी, तीनों हम अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, बर्गर कंपनी में। भाई आज ना मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया, मैं शॉप पे गई, मुझे बोलते भाभी जी बिकॉज यू आर लुकिंग लाइक भाभी सर आप। अरे नहीं, उसने मेरे ना हाथ ये देखे, मेहंदी और रेड नेल पेंट से, तो वो मेरे को बोले भाभी जी आपको ये वाला कैसा लगा? मैंने कहा एक्सक्यूज मी। तो मुझे बड़ा ही दुख लगा, फिर उसने जब मेरा फेस देखा कहता सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, मैंने आपके हाथ देखकर ऐसे बोल दिया था। तो गाइस अब यहाँ पे आने वाला है मेरा पैरी पैरी जो मुझे बेहद पसंद है। सो गाइस आ गए हैं मेरी पैरी पैरी हैमबर्गर और अपनी कोल्ड ड्रिंक, तो अब हम खाने वाले हैं, मजे करने वाले हैं। सो गाइस हम आ गए अपनी दीदी के यहाँ, सुबह से घूम रहे हैं हम लोग, और सुबह से अब नंबर आया दीदी का। वाओ मेरा तो कोई प्यार ही नहीं करता, दिखा देती हूँ सोनल और ये लगे पड़े हैं, मेरा तो कोई प्यार ही नहीं करता। आई नो अभी भी कर लो मेरा प्यार, मेरा बच्चा। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है गाइस, आपको धीरे धीरे मेरे परिवार के बारे में पता चल जाएगा, थोड़ा तो मैं आज दिखा चुकी हूँ, आ रहा अभी नहीं दिखा आपको। और ये रही गुण, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही मेरी भांजी, ऐसा नहीं लगता गाइस मैं भांजी हूँ, ये मौसी हो लंबू दीन। सो गाइस गाइस हम दीदी से चैट कर रहे हैं, और हमारी दीदी मतलब यहाँ पर नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। तो हम चारों बहने अभी मिल चुके हैं ये वीडियो कॉल पर, और हम तीन बहने यहाँ पर। हाय, ब्लॉग नहीं बन रहा, इतना बन चुका पहले। हेलो धरती में बोझ, देख क्या कह रहा वो, धरती में बोझ, धरती में बोझ।
गाइस देखो यहाँ पर एक राखी, पैसे ठगने की एक स्कीम है कि पापा को भी राखी बांधो। वाह भाई वाह वाह, मैं भी आ रही हूँ। पापा तू बांध, उसके बाद मेरी टर्न है। बांधो बेटा बांधो, फिर कोई दिक्कत नहीं बांधने। फ्री में कौन बांधेगा पापा, देखो पैसे चाहिए। नहीं अगर आपको देना तो दीजिए, देखो बेटे फ्री में बांध रही है। बांधने वाले में हिम्मत चाहिए ना बेटा। नहीं तो हिम्मत तो आप पापा हो हमारे, बांधेंगे तो है ही। हाँ। अरे आप बताओ जल्दी पैसे कितने दे रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ बड़ा एहसान कर रहे हो ना। सो गाइस हम आ चुके थे घर पे और आज मेरी मम्मी ने बनाई है चाट, घर की चाट, और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मम्मी चाट बनाती है। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हो आप दोनों मेरे बारे में? मैं सिर्फ डांट रहा, कुछ कह रही थी तुम्हारे लिए। क्या कह रही थी बताओ? बर्दाश्त नहीं है कतई भी। अच्छा मेरे पापा इतने बड़े नौटंकी है ना, इतने बड़े नौटंकी, मतलब मैंने गौरी का उत्पीड़न मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा गौरी का उत्पीड़न मुझे बर्दाश्त नहीं है।